आज के इस वीडियो में बात करेंगे नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट क्या है और इसके क्या यूज़ है और क्या साइड इफेक्ट है और ये ड्रग्स कैसे काम करता है और इसके कौन कौन से ब्रांड आते हैं, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले इसके ब्रांड नेम है जो पॉपुलर, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो पॉपुलर ब्रांड है जैसे कि एनजीवेल है, एनजीस्पान है, नाइट्रोकॉन्टिन है, इसके अलावा मोर्टिन जीटीएन या जीटीएन सॉर्बिट्रेट, ये सब कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। इसके अलावा भी बहुत से ब्रांड है, वो आपको अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग नए नए ब्रांड देखने को मिलेंगे और डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा ब्रांड रिफ़र करता है। तो आपको ब्रांड नेम चेंज होते रहेगा लेकिन जो केमिकल जो सॉल्ट फॉर्मेशन है वो सेम रहेगा, उसका यूज़ जो रहता है वो सेम रहेगा। बात करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ क्या है, इसके यूज़ के बारे में देखते हैं। तो नाइट्रोग्लिसरीन का जो टैबलेट है इसका यूज़ रहता है चेस्ट पेन में देते हैं, जिस इंसान को चेस्ट में पेन होता है जिसे एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, तो उसमें ये सबसे पहले नाइट्रोग्लिसरीन के मेडिसिन को रिफ़र किया जाता है। इसके अलावा ये टैबलेट का इस्तेमाल कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में करते हैं, जिसमें हार्ट के अंदर जो ब्लड का सप्लाई रहता है वो ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है, तो उसमें भी ये टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है वो ब्लड के सप्लाई को बराबर करने के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए। इसके अलावा ये टैबलेट एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसे हार्ट अटैक बोलते हैं, तो उस समय भी ये मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये टैबलेट का इस्तेमाल हार्ट फेलियर या हार्ट का जो ऑपरेशन होता है उसके बाद या बिफोर हार्ट ऑपरेशन ये टैबलेट रेगुलर दिया जाता है। इसके अलावा भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये टैबलेट का इस्तेमाल अलग अलग जगह पर कर सकते हैं, जिसे ऑफ लेवल ट्रीटमेंट बोलते हैं, जो अप्रूवल नहीं रहता है लेकिन फिर भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसे अलग अलग जगह पर यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं ये ड्रग्स कैसे काम करता है, ये मेडिसिन कैसे काम करता है। तो जैसे कोई ये मेडिसिन लेगा तो उसके हार्ट के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वो ब्लड के फ्लो को इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि जो ब्लड का फ्लो कम होता है तो हार्ट के अंदर चेस्ट में पेन होने लगता है। तो एक तो ये ब्लड के फ्लो को इंक्रीज़ कर देगा, इसके अलावा जो स्मूथ मसल है उसको ये रिलैक्स करेगा। ये मेडिसिन ब्लड का जो फ्लो होता है, जो हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो रहता है उसको थोड़ा सा वाइड कर देता है, उसको चौड़ा कर देता है ताकि आसानी से ब्लड का वहाँ पर फ्लो होते रहे। वो थोड़ा सा पतला रहेगा तो ब्लड का फ्लो कम होगा, जिसकी वजह से हार्ट में पेन होते रहता है, तो उसको ये थोड़ा सा जाकर वाइट कर देता है, चौड़ा कर देता है ताकि ब्लड का फ्लो आसानी से हो और चेस्ट को ज़्यादा वर्कलोड ना करना पड़े। इसकी वजह से ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है और चेस्ट में जो पेन रहता है वो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। बात करते हैं ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये मेडिसिन का यूज़ करने के बाद विजन ब्लर्ड हो सकता है, थोड़ा सा धुंधला दिख सकता है, इसके अलावा डिजीनेस आ सकता है, चक्कर वगैरह आ सकते हैं, इसके अलावा आपको ज़रा सा हेडेक, लाइट हेडेक होगा, इसके अलावा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो सकता है, इसके अलावा ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, डिक्रीज़ हो सकता है। तो जो इंसान का बीपी पहले से कम है, ब्लड प्रेशर कम है, तो उसको ये मेडिसिन नहीं देना चाहिए, नहीं तो और ज़्यादा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। आपको सेफ्टी एडवाइस देख लेते हैं। तो ये मेडिसिन का इस्तेमाल जिसका बीपी लो है, ब्लड प्रेशर कम है, उस हालत में नहीं करना है। इसके अलावा ये मेडिसिन का यूज़ करने के बाद आपको फ़ौरन ड्राइविंग वगैरह को अवॉइड करना पड़ेगा। इसके अलावा ये मेडिसिन का यूज़ करें तो आपको अल्कोहल को अवॉइड करना पड़ेगा। इसके अलावा ये मेडिसिन का यूज़ करें तो आपको सिल्डेनाफिल टैबलेट को अवॉइड करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी टैबलेट आता है जो सिल्डेनाफिल कंटेंट कर रहता है, जिसमें वायग्रा ये सब कुछ फेमस ब्रांड है, उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। इसके अलावा टेडालाफिल टैबलेट है, इसके अलावा जो भी मेडिसिन जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में दिया जाता है उसको अवॉइड करना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है कि ये सब मेडिसिन काम क्या करता है, ब्लड के फ्लो को इंक्रीज़ कर देता है, और ये जो मेडिसिन है नाइट्रोग्लिसरीन ये ब्लड के फ्लो को डिक्रीज़ कर देता है, थोड़ा सा ब्लड का प्रेशर रहता है उसको कम कर देता है। तो उसके लिए ये मेडिसिन को दोनों को एक साथ नहीं ले सकते, नहीं तो सडन बीपी लो हो जाएगा और इंसान वो हालत में गिर भी सकता है।